देखने को तो भले ही रेस 3 के निर्माता रमेश दौरानी हैं, लेकिन सारे फैसले फिल्म में लीड रोल निभाने वाले सलमान खान ले रहे हैं। म्यूजिक से लेकर तो निर्देशक और कास्टिंग में भी सलमान का दखल है। सलमान ने फिल्म को लेकर ये फैसले लिए हैं। फैसला नंबर 1, 70% प्रॉफिट। सलमान खान ने इसी शर्त पर फिल्म साइन की है कि वे प्रॉफिट में से 70% हिस्सा लेंगे। थोड़ी नानुकुर के बाद उनका फैसला मान लिया गया। फैसला नंबर 2, मनपसंद निर्देशक। रेस और रेस 2 का निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया था, लेकिन रेस 3 को निर्देशित करने का जिम्मा सलमान ने रेमो डिसूजा को दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में दबी जुबान में इसे गलत निर्णय भी कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक रेमो ने बड़े बजट की फिल्म निर्देशित नहीं की है और उनकी आखिरी फिल्म अ फ्लाइंग जट बुरी तरह फ्लॉप भी रही थी। लेकिन सलमान के आगे किसी की चली है क्या? फैसला नंबर 3, जॉन अब्राहम। रेस सीरीज से जॉन अब्राहम को सलमान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। सभी जानते हैं कि जॉन को सलमान पसंद नहीं करते। फैसला नंबर 4, सिद्धार्थ और जैकलीन की एंट्री। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस की सलमान ने एंट्री करा दी है। फैसला नंबर 5, अब कैटरीना की बारी। रेस 3 में 2 हीरो और 3 हीरोइन रहेंगी। सलमान अब रमेश पर दबाव बना रहे हैं कि वे कैटरीना कैफ को फिल्म में लें और उनकी ये बात भी मान ली जाएगी। कैटरीना इस सीरीज की फिल्मों का हिस्सा रही हैं और सलमान एक बार फिर उन्हें इस सीरीज की फिल्म में देखना चाहते हैं।